खबर अयोध्या से है, जहां जनपद के कोतवाली अंतर्गत चौरे बाजार पुलिस चौकी के पुलिस चौकी प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों द्वारा पिता पुत्र और पुत्री की पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि दो भाइयों के बीच कहासुनी के मामले को लेकर बड़े भाई को पकड़कर पुलिस चौकी ले आई। चौरे बाजार पुलिस चौकी प्रभारी राहुल पांडे और पुलिस कर्मियों द्वारा रात में डंडे और पट्टे से जमकर पिटाई कर दी गई। शरीर पर गहरे जख्म के निशान है। पिता की खोज खबर लेने पुलिस चौकी पहुंचे पीड़ित के नाबालिग पुत्र और पुत्री की भी पिटाई की गई। मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा रविवार को आईजी को शिकायत पत्र देकर की गई है। बताया गया है कि चौरे बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र के सालहीपुर निवासी 46 वर्षीय विजय कुमार निषाद, पुत्र जागेश्वर निषाद और उनके छोटे भाई शिव कुमार निषाद के बीच 4 जून को गाली गलौज और विवाद होने पर चौरे बाजार चौकी की पुलिस विजय कुमार निषाद को पकड़कर चौरे बाजार ले आई। पीड़ित का आरोप है कि रात में पुलिस चौकी प्रभारी और पुलिस कर्मियों द्वारा पट्टी और डंडे से जमकर उनकी पिटाई की गई, जिससे वह घायल हो गया। उससे 50,000 की डिमांड की गई, उन्होंने 10,000 रुपया दिया और पैसा देने में असमर्थता जताई गई। उनकी खोज खबर लेने पुलिस चौकी पहुंचे उनके पुत्र अर्जुन 15 वर्ष और पुत्री नंदिनी 17 वर्ष को भी मारा पीटा गया। शनिवार को शांति भंग में उनका चालान किया गया। रविवार को पीड़ित ने अस्पताल पहुंचकर अपना दवा उपचार कराया और आईजी से शिकायत करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया। घटना को लेकर निषाद समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। रविवार शाम को बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के पिपरी जालालपुर में इकट्ठा होकर आक्रोश जताया। जानकारी होने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर आक्रोश शांत किया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाएगी। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। पकड़ के लाए साहब, हमें बहुत मारा है साहब। किससे? थाना इंचार्ज ने। अरे साहब, ये चूतरों में मारे उनके पूरे सही सर। और सारे सर सिपाही से 20 भेज करके मारे हैं पानी डाल करके। अरे भाई भाई में भी गए, घर गया, छोटी मोटी हो गई, ये सब साहब कुछ नहीं है। भाइयों को नहीं मारा था, उसके पट्टी बनवा के छोड़ दिया। तो बस मामला हुआ था तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि अपने लिए थोड़ी मदद मांगने के लिए, लेकिन पुलिस आके मेरे पापा को पकड़ के ले गई बेकसूर होते हुए। मुजरिम को नहीं पकड़ी, इन्हें पकड़ के ले गई चौरे बाजार पुलिस चौके में, वहाँ पर लेके गई। फिर वहाँ पर इन्हें रात में 2 बजे तक खूब मारा, पापा बता भी देते हैं। फिर हम पीछे से, मैं और मेरे छोटा वाला भाई गए पीछे से। फिर मुझे गाली दी, कह रही तेरी दिल्ली वाली गर्मी जित झाड़ता हूँ, ऐसे बोल के मुझे उल्टे से, और मेरे भाई को छोटे वाले को 2 डंडे भी मारे। अरे आप मुझे नहीं मारे, मुझे गाली दी, बस मारने में पापा को छुड़ा रही थी, मेरे भी डंडे ये यहाँ पे डंडे मारे थे। जब पापा को हल्की सी आँख थी, यहाँ पे लग गई है पूरे पुलिस चौकी वाले।